नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। चलिए, इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है अडानी। जी हां, गौतम अडानी इन दिनों बेहद ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उनकी संपत्तियों में भारी गिरावट आई है, तो वहीं दुनिया के नंबर दो उद्योगपति को जितना नुकसान हुआ है उसका चर्चा अपने आप ही दुनिया भर में हो रही है। साथ ही अडानी की संपत्ति में 100 अरब डॉलर का घाटा हुआ है, जिसकी अडानी समूह की कंपनियों का देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ सकता है, क्या इन कंपनियों का भविष्य में आगामी दिनों में कहीं से रह पाएंगी, तो चलिए इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अनुज जैन जी। तो अनुज जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आज हमारा चर्चा का विषय, जैसा कि आप जानते हैं कि अडानी को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा बनी हुई है, तो आज हम उन्हीं के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि अडानी जी के जीवन में किस तरह का समय आने वाला है, या आपकी ज्योतिषाचार्य क्या कहता है इस बारे में। धन्यवाद सुचित्रा जी। अडानी जी की जो हॉरोस्कोप हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से उनका जो जन्म है 24 जून 1962 अहमदाबाद में हुआ है। इनके जन्म की कई सारे समय के ऊपर कई सारे ज्योतिष आचार्यों ने विभिन्न विभिन्न मत रखे हैं, बिकॉज सेलिब्रिटीज के जो डेट ऑफ बर्थ या टाइम प्लेस होते हैं उनके अंदर टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है। तो आज हम उनके विषय में जानेंगे, उनके दैनिक विषय के बारे में। देखिए, इस समय के ऊपर उनका 61st ईयर रनिंग कर रहा है जी, और जो 60 साल से 72 साल का समय होता है उसके अंदर इनका 6th हाउस ऑपरेट कर रहा है, और बृहस्पति से छठे भाव के अंदर इनके यहाँ मौजूद है वीनस और राहु जी। छठा भाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी डेट्स का, लायबिलिटीज का, कॉम्पिटिशंस का, रोग शोक शत्रु कोर्ट मुकदमा बीमारी, यानी कि जो हमारे जीवन के मूलभूत स्ट्रगल्स होते हैं, यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी जीव जिस विषय के लिए अपने जीवन में उत्पत्ति लेता है, जिन स्ट्रगल से वो गुजरता है, उसका काल होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही उनका 60th ईयर कंप्लीट हुआ और वो 61st ईयर के अंदर प्रवेश किया, यहाँ पे उनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इनका जो जीवकार का बृहस्पति है वह यहाँ पे चंद्रमा के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि जन्म से ही यहाँ पर चंद्रमा, यानी कि कहीं ना कहीं से मीडिया, कहीं ना कहीं से अफवाहें, कहीं ना कहीं से इन्वेस्टिगेशंस, कहीं ना कहीं से चीजों का लीक होना इनके साथ एक बहुत कॉमन पार्ट रहा है। इन्हीं की जन्म पत्री के अंदर इनके 12th हाउस फ्रॉम द जुपिटर है सैटर्न एंड केतु, शनि यानी कर्मकार का, केतु यानी विध्वंसकार का। तो जैसे ही इनकी 2023 के अंदर शनि की दशा प्रारंभ हुई, हमने देखा कि जनवरी 23 से ही इनको इस बाधा का सामना करना पड़ा और ये दशा इनकी जन्म पत्रिका में जून 2025 तक रहने वाली है, जो कि इनके लिए एक मेजर चैलेंजिंग पीरियड, मेजर हैम्परिंग टू द बिजनेस, मेजर व्यापार के अंदर बाधा, नुकसान, एक्सपेंडिचर्स, और यहाँ ये भी हो सकता है व्यापार की धारा को बदलने का संकेत हमारे को यहाँ पे मिले, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि दैट नाउ ही हैज टू सेल सम पार्ट ऑफ द बिजनेस और शट डाउन सम पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। ये कई तरीके से शेयर बाजारों के अंदर होता है, कई बार हम अपने शेयर्स इक्विटी को सेल करके अपने बिजनेस को कम करते हैं, या कई बार हम उसको नुकसान में बंद करते हैं, इसके अलग सारे फैक्टर्स हैं, बट दिस इज डेफिनेट यस द ईयर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 60 रनिंग अप टू 72, 60 से 72 साल की जो उम्र है, ये इनके लिए वास्तव में एक चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर उनका जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो चुका है जी। चलिए सर, मेरा अगला सवाल होगा कि अडानी समूह की कंपनियों को जो देश की अर्थव्यवस्था पर मतलब किस तरह का असर पड़ सकता है, क्योंकि अप डाउन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी शेयर उनके एकदम थोड़ा बहुत अप जाते हैं और सडनली ही डाउन हो जा रहे हैं, तो क्या इन कंपनियों का भविष्य में आगामी टाइम में कहीं स्थिर रह पाएंगे। देखिए मैम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे दर्शक भी शायद जानना चाहते हो या बाजार में हर जान मानस के विषय में हो, मैं ये समझता हूँ कि भारत की खुद की अर्थव्यवस्था, उसकी जन्म कुंडली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे पास जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, विजिलेंस अथॉरिटीज हैं, मॉनिटरिंग अथॉरिटीज हैं, वो इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स या सो कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड्स को निपटने के लिए सक्षम है। वी हैव आरबीआई विद अस, वी हैव सेबी विद अस, वी हैव रियली वेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। यहाँ पे इस चीज का निर्णय इस बात से होगा कि क्या जो इनकी कैश पोजीशन है वीनस,
या जो इनकी लायबिलिटीज है, वेदर ही विल बी इन ए पोजीशन टू पे ऑफ द लायबिलिटी और नॉट एबल टू पे ऑफ द लायबिलिटी। देखिए, इनकी वीनस की पोजीशन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, वीनस इज कोजॉइंड विद राहु, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि ही हैज मैनी मैनी सीक्रेटिव मेथड्स और मैयर्स और सोर्सेज टू हैव दैट लोन और लायबिलिटी। जैसे कि अभी हमने देखा, इन्होंने अभी अपना एफपीओ सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस ले लिया, और इसी वीनस और राहु की कॉम्बिनेशन के पीछे सन है, दैट इज द गवर्नमेंट। तो रॉयल हाउस ऑफ द गवर्नमेंट और द बैंक्स और द अथॉरिटी प्रोड्यूस वीनस और राहु फॉर हिम। और ये हमने अभी अभी बात करी कि 60 से 72 साल की उम्र के अंदर ये वाला फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। तो सिंस सप्लाई टू द लोन्स, सप्लाई टू दैट मनी, सप्लाई टू दैट बोरोइंग्स, वो इनके पास हमेशा रहने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि ग्रुप इस एक र्यूमर से या सिर्फ एक एलिगेशन जो हिंडनबर्ग ने लगाया है उससे तबाह हो सकता है या इसका भारतीय इकोनॉमी पे कोई बड़ा असर, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल सही रहेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर हम एक्सपोजर्स की बात करें तो एलआईसी जैसी कंपनी का टोटल एक्सपोजर भी 3-6% से मैक्सिमम नहीं है, बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर भी, और 70% से ऊपर ऑलरेडी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो हम नहीं समझते कि जिस ग्रुप में इंफ्रा में एक 70% से ऊपर हमारे पास कहीं पे होल्डिंग्स होती हैं, वहां पे वो ग्रुप डूबते हैं। ऑलरेडी प्रमोटर्स की बहुत बड़ी स्टेक है, और ये भी देखना चाहिए खाली एक कंपनी अपने लोन्स अकाउंट पर नहीं चलती, अपने प्रोजेक्ट्स पर भी चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनके पास जिस तरह से स्ट्रॉन्ग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कंपनी कहीं पर नुकसान में नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रही है, तो सर्टेनली कंपनी विल रिवाइव, ओनली ए प्राइस करेक्शन हैज कम एंड कंपनी विल अगेन फ्लोरिश। तो सर मेरा अगला सवाल होगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जो देश की अर्थव्यवस्था पर एक सटीक सा मतलब देखा जाए तो हमला किया है, सटीक हमला ही हुआ एक तरह से, कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो अर्थव्यवस्था ये एकदम डगमगाई है, तो आपको क्या लगता है क्या अडानी समूह अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने की जद्दोजहद में कहीं कामयाब हो पाएगा? इसके लिए हमें 2-3 चीजें समझनी होंगी। सबसे पहली तो ये कि हिंडनबर्ग एक्चुअली में एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जी। वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं एक एनालिस्ट की तरीके से, पहले शॉर्ट सेल करते हैं फिर उसके बाद वो उस रोड को प्रकाशित करते जी, हैं जी। और ऐसा उन्होंने विश्व में बहुत बार किया और अभी तक उन्हें सफलता भी मिली है, जैसे निकोलस के केस। लेकिन इसके अंदर हमें ये भी समझना होगा साथ साथ, क्या अडानी समूह अपने आप में स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। देखिए, मैनिपुलेशन टू द फाइनेंशियल फ्रॉड इज वन थिंग, बट क्या अडानी समूह अपने आप में स्ट्रॉन्ग है नहीं, और इसका पता चलता है हमें अडानी एंटरप्राइजेस जो कि इनकी मेन पर्सन कंपनी है जी। वहां से क्या होता है, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 2 मार्च 1993। अब ट्रांजिट वीनस दशा जो स्टार्ट हो रही है इनकी अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रही है, दैट इज नेक्स्ट कमिंग 2-3 मंथ्स। और वीनस इनके सेकंड हाउस ऑफ जुपिटर ऑफ अडानी के हॉरोस्कोप के हिसाब से है, यानी कि इनकी जो कंपनीज हैं, इनकी कंपनीज अडानी को तो रिचनेस या कैश रिच बनाती ही है। तो कंपनीज का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, कंपनी का मूलभूत स्ट्रक्चर कहीं पे कमजोर नहीं हो रहा, अडानी का सोर्स ऑफ जनरेटिंग ऑफ मनी कहीं पर कमजोर नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूं कि अप्रैल ऑनवर्ड्स ये सारा सीन चेंज होगा और काफी कुछ सुधार होगा अडानी ग्रुप में, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को लेके और कंपनी की पोजीशंस को लेके। और जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था, फ्रॉम द 60-72 ईयर्स ऑफ अडानी, ये और भी ज्यादा लोन लेंगे, लायबिलिटीज क्रिएट करेंगे, सीक्रेटिव मनी इनके पास इनडायरेक्ट सोर्सेज से बहुत कुछ आएगा और ये बिल्कुल श्योर है। सो व्हेन द प्रमोटर और उसकी कंपनी दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग कैश रिच पोजीशंस पे हो, तो मुझे नहीं लगता इस शॉर्ट सेलिंग से मार्केट के अंदर कोई प्रभाव आएगा। ऑलरेडी व्हाट वी हैव सीन इज कि 900 रुपए जाकर शेयर जो है 2300 रुपए टच कर चुका है, ऑलरेडी बाउंस बैक हैज कम एंड इट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग ए सपोर्ट बेस और शेयर्स के अंदर सपोर्ट आना शुरू हो गया है। सो आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद शेयर मार्केट वालों के लिए एक तरह से गुड न्यूज है। यस। चलिए सर, मेरा अगला सवाल होगा कि अडानी समूह को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों ने जो कहा है कि समूह एक बार फिर वापस करेगा, क्या उनकी वापसी हो पाएगी, जैसा कि अभी आपने बताया भी है। साथ ही कई जो रेटिंग एजेंसियां हैं अडानी समूह में, जिन्होंने अपना विश्वास भी दिखाया है और जिनका ये कहना है कि लेकिन आम जो निवेशक है उनका पैसा क्या वापस लौट के आएगा,
या उनकी इस बात की कोई गारंटी है, आपको लगता है कि कुछ ऐसा होगा? मैम, आम निवेशक ने आज भी बाजार से अपने आप को विड्रॉ नहीं किया है। आम निवेशक आज भी 70% करेक्शन हो जाने के बाद भी प्रमोटर्स के ऊपर अपनी कहीं ना कहीं विश्वास को बनाए हुए है। ठीक है, अडानी ग्रुप की एक शेयर मार्केट में ओवर वैल्यूड पोजिशन के ऊपर थी और आज वो ओवर वैल्यूड पोजिशन एक जस्टिफिएबल पोजिशन के ऊपर आ गई है। बट नो इन्वेस्टर, नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो बैंक, नो बडी इज कॉलिंग देयर मनी बैक, नो कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बाजारों में। और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि भारत जैसे देश के अंदर इस प्रकार की छोटे छोटे फ्रॉड्स हमको फाइनेंशियल्स में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके हैं। हिडनबर्ग वास्तव में एक फोरेंसिक फाइनेंशियल फ्रॉड रिसर्च एजेंसी है, इट्स गुड, दे हैव, इट इज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इट्स गुड। बट बाजार के अंदर और बहुत सारे शॉकर्स हैं जो कि बाजार की दिशा को तय करते हैं। हमारे पास हमारी जीडीपी है, हमारे पास एक इन्फ्लेशन है, आरबीआई ने अभी अपना रेपो रेट भी बढ़ाया है। सो बाजार के पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, हमारी गवर्नमेंट के पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं जो कि इस झटके को झेल सकते हैं। वी हैव वेरी गुड शॉकर्स एंड हैव नो डाउट अबाउट इट कि मार्केट विल रिकवर वेरी सून एंड इंडिया विल कीप ऑन गोइंग ऑन अ वेरी प्रोग्रेसिव पाथ। कि आम लोग जो है इस वजह से काफी ज्यादा उनको मतलब फेस करना पड़ रहा है या वो परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए, वापस मिल पाएगा या नहीं। तो हर कोई चाहेगा कि उसकी सिक्योरिटी उनको मतलब वो चीज उनको वापस मिल पाएगी या नहीं। देखिए मैडम, आप अगर पीछे शेयर बाजार की तरफ अपना ध्यान दें तो आप ये देखेंगे कि लगातार 2 से 3 महीने के पीछे से बाजार के अंदर करेक्शंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अडानी समूह की इस खबर को आने के बाद, हिंडनबर्ग की खबर आने के बाद बाजार क्रैश किए हैं। लगातार बाजार एक करेक्टिव मूड के अंदर है। हमने कोरोना से 2020 से जो राइज की है, जो हम 2023 तक पहुंचे हैं, यहाँ बाजार एक करेक्शन ले रहा था और ऑलरेडी उसको एक एक्सलरेट करने का काम जरूर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने किया है या अडानी ग्रुप ने किया है। बट They are not the sole factor जिसकी वजह से बाजारों के अंदर मंदी आई है। हमारे पास एक मजबूत डॉलर की पोजीशन है, हमारे पास एक मजबूत एक्सपोर्ट्स की पोजीशन है, इन्फ्लेशन विद इन द कंट्रोल है, हमारी जीडीपी अभी भी लगातार बढ़ रही है। सो मुझे नहीं लगता कि आम निवेशकों को केवल र्यूमर्स के आधार पर या सिर्फ एक स्कैंडल हो गया इस चीज को आधार मानकर अपने निवेश को खत्म करना चाहिए या अपनी रकम को नुकसान में ले जाकर अपने स्टॉक्स को इस समय लिक्विडेट करना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल होगा कि जो बैंकों से जो पैसा लिया गया है तो उन्हें क्या वापस लौटाने में कामयाब हो पाएंगे अडानी समूह? ऑलरेडी अडानी समूह ने अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए अपने एफबीओ को सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस ले लिया है। अडानी जी ने खुद स्टेटमेंट दी है कि वे किस तरीके से अपनी मनी मैनेजमेंट को ले रहे हैं और जो एलिगेशंस हिडनबर्ग की सामने आई है उनके अंदर उन्होंने बताया है कि ऑलरेडी दे हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन देयर एफबीओ। हिंडनबर्ग ने कोई भी ऐसी बड़ी रिसर्च सामने नहीं रखी गई है जो तथ्य इस समय के ऊपर हमारे सेबी के पास में, आरबीआई के पास में या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में नहीं थे या अथॉरिटीज की पिक्चर में नहीं थी। ऑलरेडी वो उन ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर डिस्क्लोज्ड हुए हुए हैं। सो ऑलरेडी जैसा मैंने आपसे कहा, शेयर बाउंस बैक भी हो चुका है, 900 का लो लगा के शेयर ऊपर भी चल चुका है और ज्योतिष दृष्टि से आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि अप्रैल 2023 के बाद में हम इस पूरे सिनेरियो को अप्रैल मई के बाद में चेंज होता देखेंगे, ना सिर्फ अडानी के केस के अंदर बल्कि मार्केट के अंदर भी। एंड टू मी एज अ एनालिस्ट, एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ ए वेरी हेल्दी करेक्शन और हमारे को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए। जहां पर भी हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, बेसलाइन मिलती है, वहां पे हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके अच्छी कंपनीज में दोबारा एंट्री लेनी चाहिए। मतलब मार्च अप्रैल के बाद ये शुरू होना हो जाएगा, एक तरह से जो स्थिरता है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल होगी, इतना फर्स्ट क्वार्टर का हमारे पास रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके होंगे और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स इस चीज को अपने आप प्रूव कर देंगे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ किस तरफ जा रही है। सर, मेरा अगला सवाल है कि अडानी समूह पर सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है और साथ ही क्या सरकार को हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर कोई कार्रवाई करनी चाहिए? आप क्या कहते हैं इस बारे में कि आपकी? देखिए, किसी भी तरीके से मैंने आपके सामने 2-3 पॉइंट्स रखे, ना तो अभी तक किसी इन्वेस्टर ने पैसा वापस मांगा है, ना एलआईसी ने पैसा मांगा है, ना बैंक ने मांगा है। ऑलरेडी बैंक्स दे हैव अ वेरी एडुकेट सिक्योरिटी विद देम,
राइट, सो दिस ग्रुप हैज बीन बैक्ड अप बाय मेनी सोर्सेज ऑफ मनी. जैसा मैंने आपको कहा कि उनके सूर्य से आगे वीनस और राहु की पोजीशन है. आप यकीन मानिए कि द सोर्स ऑफ मनी, द इनकमिंग ऑफ द मनी इज ए वेरिड फैक्टर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल एंड इट विल कीप ऑन गोइंग. और ये लगातार चलता रहेगा, ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है. इन्वेस्टर अक्सर घबरा जाता है. मैंने अपने करियर के अंदर गल्फ वॉर के टाइम में, हर्षद के टाइम में और कई हमारे जो फ्रॉड्स आए, पारख फ्रॉड जो हमारे पास आया, उसके फॉर्म के अंदर हमने कई बार देखा कि मार्केट एक बुरी तरीके से रिएक्ट करती है, बट एट द टाइम उसके बाद मार्केट सपोर्ट भी लेती है, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का विश्वास भी वापस आता है, न्यू कैश फंड्स हमारे पास आ जाते हैं और हम मार्केट को दोबारा स्पीड अप करने में, अपनी रकम को मल्टीप्लाई करने में, इकोनॉमी की ग्रोथ में दोबारा लग जाते हैं. मेरा पूरा विश्वास है कि मार्केट इस चैलेंज को या मैनिपुलेटेड प्राइस को निकाल देने के बाद इस साइफंड मनी, अगर कोई है, क्योंकि साइफंड मनी का कोई भी एलिगेशन इस कंपनी के ऊपर नहीं है, इस कंपनी के ऊपर सिर्फ ऑडिटेड रिजल्ट्स या उनको एस्केलेट करने का प्राइस है. जब एस्केलेशन का प्राइस है और साइफन ऑफ ने कोई क्वेश्चन आज तक खड़ा नहीं हुआ है, विपक्ष के माध्यम से, हेडनबर्ग के माध्यम से, मार्केट के माध्यम से, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, तो ये केवल एक डर है. तो सर ओवरऑल मतलब जो रिजल्ट निकल के आता है वो यही है कि ना तो निवेशकों का पैसा डूबेगा, ना मार्केट में वैल्यू कम होगी. हाँ, उनका एक स्ट्रगलिंग टाइम स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से ये अप डाउन देखे जा रहे हैं. यस, एंड दिस ग्रुप हैज द पोटेंशियल टू टर्न इट अराउंड. Okay. और उसका सिंपल रीजन, आई विल अगेन एम्फेसाइज, जुपिटर से सिक्स हाउस के अंदर वीनस राहु की पोजीशन, सन से आगे वीनस राहु की पोजीशन और वीनस राहु की पोजीशन के सामने सैटर्न. मेरे हिसाब से दिस ग्रुप इज ए कैश रिच कंपनी एंड दे विल रिमेन कैश रिच कंपनी. तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो दर्शकों, आज आपको आचार्य अनु जैन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, जहां उन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर के बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की है कि आपका शेयर मार्केट में अगर पैसा लगा है तो वो कहीं डूबने वाला नहीं है या आपको कुछ ऐसा नुकसान नहीं होगा, मार्केट वैसे ही स्थिर रहेगी. तो इसी तरह की जानकारी आगे भी हम लाते रहेंगे. देखते रहिए हमारे साथ दैनिक भरोसा.